अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको चिकन पराठा बनाना बता रही हूँ, जिस पे के ऊपर कलौंजी भी होगी और बहुत मज़े का यम्मी टेस्ट होगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन बॉईल हुआ हुआ, पुदीना है, अजवाइन, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, दरदर मिर्च भी कहते हैं जिसको, कलौंजी है और हरी मिर्च। और मैंने दो मीडियम साइज़ के जो है वो छोटे छोटे से पेड़े करके रखे हुए हैं, जिसको मैं बेल के रोटी कर लूँगी और इसको मैं मिक्स करके इसमें फिलिंग करके आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने इसको फिल कर दिया है इस तरह की रोटी, दो रोटियाँ बेलीं, और रोटियाँ बेलने के बाद मैंने चिकन का जो मसाला और बताया था सबको मिक्स किया अच्छी तरह, और मिक्स करने के बाद रोटी में फिल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, सेकंड रोटी जो है वो ऐसे रख दूँगी और मैं इसको बेल के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने किया रोटी के ऊपर रोटी रखी है, साइडें जो है वो इस तरीके से बंद कर ली, और अब मेरे पास कलौंजी है जो मैं इसके ऊपर हल्की हल्की से ऐसे स्प्रिकल करूँगी और उसको ऐसे प्रेस कर दूँगी। जी तो आप ये देख रहे हैं, मैंने इस पर कलौंजी लगा दी और ये रोटी बड़ी होगी। जैसे मैंने इसको चिकन का, मैंने चिकन को फिलिंग किया, उसके ऊपर रोटी रखी, साथ ही मैंने उसको हाथों से प्रेस किया, बेलने से प्रेस नहीं किया। हाथों से प्रेस करने के बाद मैंने कलौंजी लगाई और उसके बाद मैंने उसको बेलना स्टार्ट किया। आपने कलौंजी लगाने के बाद रोटी को बड़ा करना है। तो जी तब एक मैंने डाल दिया है पराठा, और इसकी साइड पलट कर मैं आपको दिखाऊँ। जी मैंने साइड पलट दी है इसकी, और मैं एक और साइड पलटूँगी और फिर घी लगाऊँगी। मैंने इस पर देसी घी लगा दिया है और मैं इसकी साइडें पलट रही हूँ। जी हाँ, तो मेरा ये कलौंजी और चिकन पराठा जो है वो रेडी हो गया हुआ है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। चले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। जी ये बहुत ही गर्म पराठा है, और जिसके साथ मेरे हाथ भी। जी हाँ, तो ये पराठा मैंने आपको कटिंग करके दिखाना था, और ये देखें हर बाइट में चिकन एंड चिली, बिकॉज मैं जो हूँ स्पाइसी बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने रेड चिली, ग्रीन चिली एंड ब्लैक पेपर जो है वो ऐड किया हुआ है। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जी और पराठा रेड कैसे बनाया जाए, क्रिस्पी पराठा, रेड पराठा कैसे बनाया जाए, तो इसकी मैंने जो है मूली चिकन पराठे की जो रेसिपी शेयर की हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि पराठे को रेड और क्रिस्पी कैसे बनाया जाए। बहुत इजी है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।